भी ट्रेंड आपको मैं दिखा दूँ। सो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं अभी हूँ न्यू दिल्ली के 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है, उस ट्रेन की अगर आपसे मैं नंबर की बात करूँ, 12454 राजधानी एक्सप्रेस, जो फ्रेंड आपको मैं बता दूँ सैटरडे के दिन चलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 नंबर प्लेटफॉर्म से। और हमारी जो आज जर्नी होने वाली है न्यू दिल्ली से रांची तक की होने वाली है। तो फ्रेंड चलिए अभी चल रहा हूँ अपने बर्थ में, अपना बर्थ का इंटीरियर वगैरह सारा कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस ट्रेन जर्नी को आरंभ करते हैं और आपका मैं स्वागत करता हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो अभी जा रहा हूँ अपने बर्थ पे और जाके आपको भी दिखाता हूँ कौन सा रूट होने वाला है। और आपको बता दूँ हमारी जो ट्रेन आज राजधानी एक्सप्रेस है कानपुर होके जाएगी, कानपुर प्रयागराज होते हुए जाएगी। और दिल्ली से खुलने के बाद इसकी जो फर्स्ट स्टॉपेज है फ्रेंड, वो बता दूं आपको 440 किलोमीटर बाद इसकी फर्स्ट स्टॉपेज आएगी कानपुर। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो पूरी ऑन टाइम हमारी ट्रेन अभी खुली है, 4:10 पे खुल चुकी है दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। ये हो गई एक सैंड बीच। और ये एक कचौड़ी, इधर चाय बनाने के लिए, और ये सोन पापड़ी। तो फ्रेंड अभी अपनी खाना आ गई है, मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ और आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या इसमें है। और ट्रेन जो दिल्ली से खुली है तो कंटिन्यू चलते जा रही है, 440 किलोमीटर बाद इसका पहला हॉल्ट आएगा। तो इस और अगर आपको दिखाऊँ तो पनीर की सब्जी, ये सूखी सब्जी, ये हो गई राइस, ये दाल और ये दही, और ये हो गई मदर डेयरी की आइसक्रीम वेनिला फ्लेवर खाने के जस्ट बाद। कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है अभी हमारी गाड़ी। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं फाइनली आप देख सकते हो हमारी गाड़ी अभी कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है। और न्यू दिल्ली से खुलने के बाद राजधानी एक्सप्रेस की फर्स्ट स्टॉपेज थी कानपुर की, तो कानपुर सेंट्रल अभी हमारी गाड़ी पहुंची है। 5:10 में पूरी की है हमारी राजधानी एक्सप्रेस। और एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड, ये गाड़ी अभी तक 19 मिनट डिले हो चुकी है। तो 19 मिनट कोई बड़ा चीज़ है नहीं, रात में ये मेकअप कर लेगी राजधानी एक्सप्रेस। और इसका स्टॉपेज काफ़ी कम है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं। तो कुछ इस तरह का है कानपुर सेंट्रल और यहाँ से हमारी गाड़ी खुलती है। तो फिर आपको मैं डिपार्चर दिखाता हूँ यहाँ से हमारी गाड़ी खुलने के बाद। तो देख सकते हो अभी कानपुर सेंट्रल के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आई है और यहाँ से गाड़ी खुलती है। और स्टॉपेज काफ़ी कम है गाड़ी की, तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि गाड़ी जो खुली है वहाँ से 130 में भगा के कानपुर तक लेते आई है। तो यहाँ से हमारी गाड़ी खुल रही है, फिर आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूँ कानपुर सेंट्रल से जो हमारी गाड़ी अभी खुलेगी तो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज आने वाला है प्रयागराज, जिसे आप पहले इलाहाबाद के नाम से जानते होंगे। तो प्रयागराज जो हमारी गाड़ी आएगी, तो प्रयागराज 194 किलोमीटर बाद प्रयागराज जंक्शन है। तो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट प्रयागराज जंक्शन के ऊपर। और चलिए फ्रेंड, और अभी हमारी यहाँ से गाड़ी की स्टार्टर
हो गई है, लाइन क्लियर होने वाली है, आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से गाड़ी हमारी खुलती है तो अभी हमारी कानपुर सेंट्रल से गाड़ी खुल चुकी है। आप देख सकते हो कानपुर सेंटर कुछ इस तरह की है और यहाँ से गाड़ी खुली है। नेक्स्ट जो स्टॉपेज इसकी आने वाली है वो आएगी प्रयागराज, लगभग 194 किलोमीटर के बाद। तो आपसे फ्रेंड अभी मैं फिलहाल मिलता हूँ प्रयागराज जंक्शन में। ये रही इंदौर कानपुर और कानपुर से गाड़ी जस्ट अभी स्किप करते हुए आप देख सकते हो। तो अभी फ्रेंड आपको मैं दिखा दूं ये सेकेंड एसी की बाथरूम कैसी है राजधानी एक्सप्रेस की। तो आप ये देख लो, जैसे ही आओगे यहाँ पे एक बड़ी सी मिरर इस ओर आपको मिल जाएंगे, वॉश बेसिन, पानी आ रही है और यहाँ पे आपको हैंड वॉश मिल जाएगी। और इस ओर आप देख सकते हो बाथरूम काफी क्लीन है। यहाँ फ्लैश, अगर आप बाथरूम की यूज करते हो फ्रेंड तो फ्लैश जरूर आप दबाएं। तो फ्रेंड आप फाइनली देख सकते हो अभी हमारी गाड़ी प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुकी है। और प्रयागराज जंक्शन जो गाड़ी हमारी आई है दिल्ली से खुलने के बाद, तो टोटल यहां पर अभी तक हमारी ट्रेन डिले हो चुकी है। 3 घंटे 33 मिनट की डिले के साथ पहुंची है प्रयागराज जंक्शन। और फ्रेंड आपको मैं बता दूं प्रयागराज जंक्शन में हमारी ट्रेन आई है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन लेट होने के कारण आप देख लो पीछे कितनी धुंध आपको नजर आएगी, काफी ज्यादा कोहरा है। कोहरा के वजह से ट्रेन काफी लेट हो चुकी है। और आप अगर देखोगे तो प्रयागराज जंक्शन कुछ इस तरह का है जो कि आपको पूरा कोहरा आपको दिख जाएगा स्टेशन में। तो फिलहाल फ्रेंड आप देख सकते हो हमारी गाड़ी अभी प्रयागराज जंक्शन यानी कि इलाहाबाद से खुल चुकी है, अभी जस्ट खुली है और प्लेटफॉर्म को ऑलमोस्ट स्किप भी कर चुकी है आप देख सकते हो। और इस ओर देखोगे अगर आपको दिखाऊं तो खाड़ी आपको धुंध दिखेगी, कोहरा तो देख लो इतनी है जो सामने कुछ दिखेगी नहीं। तो उस वजह से कोहरे के वजह से हमारी गाड़ी अभी तक 3 घंटे 33 मिनट डिले के साथ आई थी स्टेशन। यहाँ 10 मिनट रुकी, 3 घंटे 43 मिनट की डिले के साथ प्रयागराज जंक्शन से खुल चुकी है। ड्राइवर को क्या ही दिखेगा और क्या ही वो गाड़ी चलाएगा। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं हमारी ये दिल्ली रांची राजधानी को यहाँ पहुँचने का टाइम था 10:58 और हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है 2:35 रात्रि में। तो सोच सकते हो ट्रेन कितनी डिले हो चुकी। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं दिल्ली से प्रयागराज तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो है 634 किलोमीटर और 634 किलोमीटर प्रयागराज इसका सेकेंड स्टॉपेज है और अभी तक हमारी गाड़ी 634 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो चलिए फ्रेंड अभी चलता हूँ सोने, नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे मिलता हूँ। The next morning. यहाँ नाश्ते में मिली है फोहा, ये मैंगो जूस और इधर हो गई 2 स्लाइस ब्रेड की, ये बटर, टमाटो केचप। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हो हमारी गाड़ी अभी रेणुकूट पहुंची और यहाँ ज्यादा देर खड़ी भी हुई नहीं और यहाँ तक गाड़ी आने में 6 घंटे 24 मिनट डिले के साथ रेणुकूट रेलवे स्टेशन पहुँची है और यहाँ से जस्ट 1 मिनट रुकी और खुल भी गई हमारी गाड़ी। और बता दूँ अभी तक दिल्ली से खुलने के बाद 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है हमारी राजधानी एक्सप्रेस और काफ़ी लेट हो चुकी है गाड़ी हमारी।
फाइनली हमारी राजधानी एक्सप्रेस डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और पूरी 6 घंटे 10 मिनट डिले पहुंची है डाल्टेनगंज में। और अभी तक बता दूँ, दिल्ली से खुलने के बाद राजधानी एक्सप्रेस ने जो सफ़र तय किया है, 1035 किलोमीटर का सफ़र कर चुका है हमारी राजधानी एक्सप्रेस ने। तो हमारी गाड़ी काफ़ी लेट हो चुकी है, इस वजह से डाल्टेनगंज से बहुत जल्दी ही खुल गई, रुकी नहीं ज़्यादा समय। मैं नीचे उतरा और जस्ट 1 मिनट में ही गाड़ी हमारी खुल गई डाल्टेनगंज से। चावल और ये दाल और इधर पिकल, तो इसे फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली गाड़ी हमारी खुलने के बाद अपना 7वां हॉल्ट लोहरदगा जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है राजधानी एक्सप्रेस और यहाँ से खुल भी गई है। तो देख सकते हो इसो लोहरदगा जंक्शन, और जस्ट 1 मिनट भी रुकी नहीं, खुल गई। मैं जल्दी से ऊपर चढ़ गया, नहीं तो नीचे ही रह जाता। और अभी लोहरदगा को स्किप करते हुए आप देख सकते हो, और ये लोहरदगा स्टेशन से निकलने के बाद ये कुछ नदी है, कमेंट करके आप बताओ कौन सी नदी है। मौसम आप देख लो, इधर काफी अच्छी मौसम है, और अभी फ्रेंड आपको मैं दिखा दूँ, दिल्ली के खुलने के बाद ये अभी स्पीड पकड़ी है गाड़ी लोहरदगा से खुलने के जस्ट बाद में। देखो 100 पार की है गाड़ी, नहीं तो हमारी 30, 40, 50 से ऊपर गई नहीं। तो फ्रेंड आप सोच ही सकते हो, वंदे भारत के बाद अगर कोई ट्रेन की अगर स्पीड चलने में बात आती है तो वो हो गई दुरंतो एंड राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी की भी भाई साहब इस रूट में काफ़ी हालत ख़राब है। मैं बता दूँ, दिल्ली से ये पूरे ऑन टाइम खुली थी 4:10 में, लेकिन ये कानपुर के बाद जो गाड़ी कानपुर तक 440 किलोमीटर काफ़ी स्पीड में आई हमारी गाड़ी, और कानपुर के बाद इतना धुंध भरा कोहरा था जो 10 मीटर भी देखना पॉसिबल नहीं था। तो नहीं दिखने के कारण ट्रेन हमारी हो गई 5.5 घंटे डिले। तो देख सकते हो इस रूट में आपको राजधानी की भी काफ़ी लेट लगी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी तक गाड़ी हमारी 5.5 घंटे डिले हो चुकी है, और नेक्स्ट स्टॉपेज अभी आ रही है हमारी रांची। तो आपसे मिलता हूँ मैं रांची में फाइनली, और रांची मिलता हूँ वहाँ, बताता हूँ कितनी और देर हो रही है ना, कुछ कवर कर रही है टाइम, वो फिर आपको बताता हूँ। अभी तक देखो यहाँ से लोहरदगा के बाद तो काफ़ी स्पीड में गाड़ी जा रही है, 110 107 के स्पीड में जा रही है। तो फ्रेंड आप फाइनली देख सकते हो हमारी राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है रांची के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो रांची आई है हमारी गाड़ी, पूरी 5 घंटे डिले पहुंची है रांची जंक्शन। तो देख सकते हो राजधानी की भी काफ़ी अवस्था ख़राब हो चुकी है कोहरे के कारण, और यहाँ से अभी वॉशिंग लाइन में गाड़ी को सेंटिंग किया जा रहा है। और फ्रेंड आपको मैं बता दूँ, दिल्ली से रांची तक की जो डिस्टेंस होती है 1243 किलोमीटर, और 1243 किलोमीटर आने में जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस को समय लगी है, वो समय लग चुकी है 21 घंटे। 21 घंटे में सफ़र तय किया है 1243 किलोमीटर का। फ्रेंड अगर आपको इस राजधानी एक्सप्रेस की दिल्ली से रांची तक की वीडियो पसंद आती है तो
तो आप लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ और एक नेक्स्ट जर्नी के साथ। जय हिंद, जय भारत।